एवरीवन वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप ब्लॉग में। सो आज मैं जल्दी आ गई कॉलेज से, रूम घर नहीं रूम। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं ओडिशा। छुट्टी हम लोग का इतना जल्दी नहीं था, हम लोग को लेट से ही छुट्टी दिए थे, लेकिन छुट्टी पोस्टपोन हो गया और फिलहाल हम लोग तत्काल करने के लिए मैम बोल दिए। हम लोग पहले टिकट किए थे दो बार तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी एक बार तो कैंसिल किए थे तो और एक बार अभी कैंसिल होगा, तो तत्काल टिकट फाइनली हम लोग को हो गया है। तो बाकी दो तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग दो ही जा रहे हैं। सो फाइनली जाएंगे अपना घर और पैकिंग वगैरह अभी हो गया है, क्योंकि पैकिंग ही करना था इसीलिए रात को हम लोग का ट्रेन है, लेकिन पैकिंग करना था इसीलिए मैं जल्दी आ गई और पैकिंग वगैरह सारा ख़त्म हो गया है। सो थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात को पता नहीं, ट्रेन में तो सोना नहीं होता है, बहुत नहीं सोते हैं, मतलब ट्रेन में जितना भी सोने की कोशिश करो सोना नहीं होता है। सो ठीक है, इसलिए रेस्ट करेंगे। सो निकलेंगे हम शाम को। सो फाइनली हम जा रहे हैं ओडिशा। ट्रेन नहीं सूखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं ओडिशा इतना दिन के बाद। और एक्चुअली हम लोग को छुट्टी तो नहीं था अभी, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो छुट्टी मिल गया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। यानी हम लोग का ट्रेन रात को है, तो इसीलिए मैं कपड़ा सुखाने आई हूँ। मुझे पता नहीं था तत्काल में टिकट किए हैं, होगा कि नहीं होगा बोलते, इसीलिए मैं क्लास चली गई थी, लेट में आई। तो अभी धोई हूँ, सूखेगा कि नहीं सूखेगा वो पता नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा जाती हूँ रेस्ट करने, रात को ट्रेन है, सो भी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी वो भी पता नहीं है। तो अभी तो मुझे एक तितली मिल गया, लेकिन मुझे पकड़ने भी दिया, नहीं तो कोई कोई छोड़ देती हूँ, नहीं तो बेचारा या बेचारी मर जाएगी। चलो 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 हम लोग का इंटरटेनमेंट। सो फाइनली हम लोग का पैकिंग सब खत्म हो गया है, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे। खाना वाना भी खा लिए हैं और अभी हो रहा है 10:05, तो हम लोग का ट्रेन है 12 बजे के बाद, 12:10 यानी हाँ वही आसपास में है। तो हो गया है, मेरी दोस्त भी एक आई है, साथ में ही जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली पैकिंग हो गया है, कुछ तो भूले नहीं है लग रहा है, और थोड़ा देर में निकल जाएंगे। बहुत ठंड लग रहा है बाहर, तो आज दो दिन हुआ ठंड बहुत ही लग रहा है, पता नहीं हालत कैसे होने वाला है। तो अब तक मुझे कुछ नहीं लग रहा था, पता है मुझे अजीब लग रहा है। तू भी जा रही है क्या? अरे बेटा ये भी जा रही है, ये नहीं जा रही है। अक्का एडवांस हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, डोंट क्राई, नो आई वन मंथ ओनली देन कम, हैप्पी क्रिसमस। अरे रोरी ए अन्ना, आपको आप सबको बाय बोले अन्ना। अन्ना रात कहना दिस पहले कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा सही में। Thank you.
अच्छा तो सारे बहन को करना है हम लोग स्टेशन तो आ गए बट हम लोग का ट्रेन तो 12:30 बजे है। अभी बैठेंगे और क्या करेंगे, वेट करना ही है। मैं इधर लगेज लेके, मेरा तो भारी नहीं लग रहा था, अभी बहुत सारा भारी लग रहा है। ये बोकाटा 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 बेज्जती। यहाँ का कुत्ता सब बिस्किट नहीं खाते हैं, यहाँ बिरयानी खा के ये लोग का आदत हो चुका है। मेरे ऐतिहासिक की ना, और हिंदी एक कुत्ता देखी तो उसको मुझे दया आया, तो मैं उसको बिस्किट निकाल के दी, नहीं खाया वो। मतलब उसको क्या चाहिए क्या पता, पर हम लोग के पास उतना नहीं है रे पापा, नहीं दे सकते, लेकिन नहीं खाया। बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, कोई पाले होंगे, छोड़ दिए है तो ये घूम रहा है, लग तो उसे रहा है बट पता नहीं। पर बेज्जती तो हुआ, सबको देख रहा है, देरी तो नहीं खाया। ट्रेन नहीं आया है अभी तक, बैठे हैं, पर पहली बार मुझे बोर नहीं लग रहा है, नहीं तो मुझे कहीं जाने से बहुत बोर लगता है। तो ऑब्वियसली घर जा रही हूँ तो कहाँ बोर लगेगा। हम लोग 3 ही हैं, 2 तो नहीं आए, बाकी सबको हम लोग को छोड़ने आए थे, हम लोग 3 ही जाएंगे। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं रायगढ़, और यहाँ से हम लोग का 9:00 बजे है। बहुत देरी, अभी क्या करेंगे पता नहीं। ATM खोजने गए थे, पैसा भी नहीं निकाले थे, ATM खोजने गए थे, वहाँ पता नहीं चला। फिर आके दूसरे लोग को पूछे पुलिस वाले को, तो वो बताए, फिर भी वो अंदर तरफ है तो उसको पता नहीं चला। फिर निकाले, फिर आए। अभी भूख भी बहुत जोर से लग रहा है, कहाँ जाएंगे खाने, यहाँ तो कुछ पता नहीं है कहाँ पर क्या मिलता है, तो देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। अभी बस गया है, तो हम लोग का ट्रेन 1 बजे था लेकिन लेट था, इसलिए 2 बजे पहुँचा है। और नींद तो चेहरा में है ही, बहुत जोर से नींद लग रहा है, थकान। अभी देखते हैं खाने का जुगाड़ करते हैं कहाँ पर मिलता है। अभी तो हम लोग अभी खाना लेने आए हैं यहाँ पर, ये नया खुला है पर अच्छा लगा। नया खुला है या पुराना है तो नहीं पता, पर ये ट्रेन का जो डिब्बा जैसे बनाए हैं अंदर, बहुत अच्छा सा है खाने के लिए सुविधा। और प्राइजेस तो बहुत है, देख रहे हैं क्या लेंगे। अभी भी हो रहा है टाइम, 2:30 बज रहा है, इतना देरी हम लोग को रुकना है, क्या करेंगे पता नहीं। अंदर तो नहीं घुसेंगे हम लोग, पार्सल ही लेके जाएंगे, क्योंकि सामान बहुत सारा वहाँ पर छोड़े स्टेशन में, तो वहीं पर ही लेकर ही खाएंगे। यहाँ पर 2 जन आए हैं हम लोग, एक हमको छोड़ना पड़ा क्योंकि सामान है ना, और मेरा ही मन ज़्यादा है, मैं ला नहीं पाऊँगी, इसलिए हम लोग पार्सल लेंगे सोच रहे हैं। तो उसको फोटो भेजे हैं, वो क्या बोल रही है, ठीक है, देखते हैं इधर का कैसे कैसे मिलता है। के लिए बोल दिए हैं हम लोग खाएंगे आज दम बिरयानी, चल जो भी है, जैसे भी जाना है, लेकिन पहले खाना है, उसके बाद गेट से जा रहे हैं। बाप रे, रायगढ़ का भी देखने को ना मिलता, डबल के ये इसलिए देखने को मिला है, अच्छा लगा। मतलब नया नया टाउन बन रहा है, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत सारा काम बाकी है। आई लव रायगढ़ भी दिख रहे हैं, देखी हूँ वहाँ पर, हाट नहीं लगाए अभी तक, चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में पार्किंग एरिया भी बन रहा है, और यहाँ जो खाने का सुविधा है अच्छा है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। हम लोग को मिल गया हम लोग का पार्सल, ये रहा बिरयानी, साथ में प्लेट्स हम लोग नहीं दिए थे, हम लोगों को नहीं दिए थे, हम लोग मांगे, जा रहे हैं अभी स्टेशन, वहीं पर खाएंगे, बोली जैसे कि सामान बहुत है इसीलिए। अरे सुंदर देखा जाओ जी, देख सकते हैं हम यहाँ का बिरयानी, अच्छा ही दिख रहा है देखने में, पर टेस्ट कैसा है खाने के बाद बताएंगे।
तो हम लोग का खाना पीना हो गया और बिरयानी बहुत टेस्टी था। आप लोग कभी भी आओगे रायगढ़ तो वहाँ जरूर जाना, क्योंकि टेस्टी ही था। और वहाँ अंदर जो बनाए हैं खाने के लिए होटल, वो बहुत अच्छा है। हम लोग बाहर से देख बाहर से थोड़ा सा झांक के देखे, लेकिन हम लोग को तो इधर ही लेके आना था और खाना था, और क्वांटिटी भी अच्छा था। दो प्लेट लाए थे हम लोग और 3 जन खाए, हो गया सबके लिए भरपूर। तो अभी हम लोग तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, एक तो घूमने जा ही रही है, हम लोग को ट्रेन तो है 9 बजे, करेंगे क्या, यहीं पर रहेंगे। स्टेशन भी अच्छा लग रहा है, मतलब खुला खुला सा है तो अच्छा ही लग रहा है।